मुरादाबाद जो कि पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पीतल की कारीगरी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही कारीगरी यहाँ की गंगा जमुना तहजीब की मिसाल बन गई है? देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद अपने पीतल से जुड़े कारोबार के लिए जाना जाता है। पीढ़ियों से यहाँ के कारीगर पीतल का सामान बनाने का काम करते चले आ रहे हैं। शहर के पीतल कारोबार में बड़ी संख्या में कारीगर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हैं। भगवान की पीतल की मूर्तियां हों, घंटी हों या फिर चिरागी पूजा में इस्तेमाल होने वाले ऐसे अनगिनत चीजें मुस्लिम कारीगर ही तैयार करते हैं। इन आइटमों को ना तो बनाते हम बुढ़े हो गए, यानी के जब से हमने हो संभाला 40-50 साल से हम यही आइटम बनाया है, इनका ये पूजा पाठ के काम आते हैं सर। मुरादाबाद में बना पीतल का सामान पूरे देश और विदेश में बिकता है। ये यहाँ कारीगरों और कारोबारियों के लिए गर्व की बात है। हम पूजा आर्टिकल्स की पूरी रेंज बेचते हैं, हमारे यहाँ सब मिल जाएंगे, घंटी, लोटे, दीपक, अगरदान सब मिलेंगे। ये है घंटी, सब मिलेंगे, अगरदान मिल जाएंगे, सब मिल गए। अच्छा जी, तो ये और ये दीपक है जैसे मट्टी का दिया आता है। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में सेल करते हैं हम। ये पीतल का आइटम बनते हैं, क्या क्या बनाते हैं? जैसे कि बांग्लादेश है, चिराग है, अखंड है और अगरदान वगैरह हैं। ये बहुत आइटम है इसमें पीतल में, काम आते हैं ये पूजा पाठ के काम में आते हैं। अच्छा, कहाँ जाता है ये माल? जैसे कि हिंदुस्तान के कोने कोने पे जाता है, जैसे कि हरिद्वार है, बनारस है, बेंगलोर है। इन सामानों को बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि वे अपने काम को गंगा जमुनी तहजीब के हिस्से के रूप में देखते हैं। हम मुसलमान हैं और जो ये हमारे भाई हिंदू के काम में आता है वो अपनी पूजा वगैरह इस आइटम से करते हैं, तो इससे गंगा जमुनी तहजीब बढ़ती है, क्योंकि हमारा उनके साथ उठना बैठना हो जाता है। गंगा जमुनी तहजीब या गंगा जमुनी संस्कृति हिंदू और मुस्लिम धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के मेलजोल और सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व का प्रतीक है।